नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पांडे है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सॉफ्टवेयर की दो श्रेणियाँ हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वास्तव में इन सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर निर्दिष्ट कार्यों को पूर्ण कर पाता है तथा हार्डवेयर और अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर एवं पेरिफेरल डिवाइसेस को नियंत्रित एवं संचालित करने तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक आधार उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियों जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल स्टोरेज आदि को मॉनिटर करता है ताकि यह कुशलतापूर्वक कार्य का संपादन कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर की तीन प्रमुख श्रेणियां हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़र को डॉक्यूमेंट क्रिएट करने, ग्राफिक्स बनाने, फोटोग्राफ्स कैप्चर तथा एडिट करने, डेटाबेस क्रिएट करने और कंप्यूटर को विभिन्न कार्यों के लिए एक टूल की तरह यूज़ करने की क्षमता प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच प्रमुख अंतर यह है कि यूज़र को कंप्यूटर द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर हार्डवेयर एवं पेरिफेरल डिवाइसेस को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक आधार उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल होता है। यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के उद्देश्यों के बारे में जान पाएंगे, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जान पाएंगे तथा आप यूज़र और कंप्यूटर के बीच होने वाले संवाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर की उपयोगिता के बारे में जान पाएंगे। तीन विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो हर कंप्यूटर का हिस्सा हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। यह प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। चर्चा की शुरुआत करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्णन से। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम कोडेड प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के जनरल ऑपरेटिंग फंक्शंस को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ मिलकर काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संपादित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट या बूट करने के लिए आवश्यक है। मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए भी उत्तरदायी है। कंप्यूटर से जुड़े समस्त पेरिफेरल डिवाइसेस का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में रन होने वाले अन्य प्रोग्राम को मैनेज एवं मॉनिटर करता है। एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस की मदद से यूज़र और कंप्यूटर के बीच संवाद स्थापित करता है तथा डेटा और एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग एवं सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस, जिसे बूटिंग भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों को निष्पादित कर सके और कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर उपकरणों की खोज कर सके तथा उन्हें मैनेज कर सके। जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए कंप्यूटर पर पावर बटन को ऑन किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूट कहा जाता है। यदि कंप्यूटर पहले से ऑन है और कंप्यूटर को किन्हीं कारणों से रिस्टार्ट करने की आवश्यकता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम को रीलोड करने की प्रक्रिया को वार्म बूट कहते हैं। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर ने काम करना बंद कर दिया हो या यूज़र को कोई एरर मैसेज प्राप्त हुआ हो आदि। विंडोज़ बेस्ड पीसी में कंप्यूटर को वार्म बूट करने के लिए तीन कीज़ कंट्रोल, एल्ट
और डिलीट को एक साथ दबाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम को उन प्रोग्राम्स को मैनेज करने की आवश्यकता होती है जो कंप्यूटर यूज़र को बिजनेस या पर्सनल कार्य जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट रिसर्च, स्प्रेडशीट प्रोडक्शन आदि कार्यों के लिए आवश्यक हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही समय में एक या एक से अधिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को मैनेज करने में सक्षम होना चाहिए। एक समय में एक से अधिक कार्य को संपादित करने की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं और आज के कंप्यूटर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए बने हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं। मान लीजिए कि यूज़र ने वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउज़र और एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम को एक ही समय में खोला है और वर्तमान में कंप्यूटर यूज़र वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कर एक रिपोर्ट टाइप कर रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को एक्टिव प्रोग्राम कहा जाएगा क्योंकि उस प्रोग्राम में अभी कार्य चल रहा है, जबकि इंटरनेट ब्राउज़र और स्प्रेडशीट को इनएक्टिव प्रोग्राम कहा जाएगा क्योंकि वे बैकग्राउंड में चल रहे हैं और वर्तमान में उपयोग में नहीं हैं। चूँकि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक एक्टिव प्रोग्राम के लिए मेमोरी स्पेस आवंटित करता है ताकि इंडिविजुअल प्रोग्राम एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप या इंटरफेयर ना करें। इसे कार्यान्वित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करता है जो कि रेंडम एक्सेस मेमोरी का ही एक विस्तार है। कभी कभी अगर बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ खुल जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एप्लीकेशन में पर्याप्त मेमोरी आवंटित करने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करता और कंप्यूटर सिस्टम को वार्म बूट करने की आवश्यकता हो सकती है। अब तक की चर्चा में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना तथा इसके एक प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके अतिरिक्त हमने कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच का अंतर को स्पष्ट किया। अगले लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार और उसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।